अब सीधा चलते हैं गोरखपुर और देखते सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अत्यंत प्रफुल्लित करने वाला क्षण होता है, क्योंकि आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं गोरखपीठ में या गोरखपुर में, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। याद करिए, गोरखपीठ जिसने आज से 50 वर्ष पहले गोरखपीठ को देखा होगा तो स्वाभाविक रूप से उनको लगा होगा कि समय के अनुरूप गोरखपीठ ने उस प्रकार की रचना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने भूमिका रची, न्यू रखी, और ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज ने उस न्यू पर भव्य मंदिर निर्माण या भव्य भवन के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, और ये हर एक क्षेत्र में हुआ है। वह हमारे गोरखपीठ के अंदर हो, नाथ संप्रदाय का जो अखिल भारतीय संगठन है योगी महासभा, उसके साथ हो, खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए, हमारी सनातन धर्म से जुड़ी हुई सभी उपासना विधियों के लिए किए जाने वाले कार्य हो, अपने मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना से जुड़े हुए उन मुद्दों पर बिना हिचक, बिना झुके, बिना डिगे, बिना हटे, निरंतर उसके लिए अहर्निश प्रयास करने का कार्य रहा हो, या फिर अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान को अक्षुण्य बनाए रखते हुए समाज के प्रत्येक तबके को नवीनतम ज्ञान से उत्प्रोत करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई। हमें आश्चर्य होता है, वास्तव में देख करके कभी मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि मैं पिछले 25-30 वर्षों से गोरखपीठ के हरेक कार्य के साथ जुड़ा हूं, उसको नेतृत्व करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन मैं इस बात को देखता हूं 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना हो जाना, ४५-४६ में महिला शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना हो जाना, 1956 में महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ा देना, संस्कृत के उच्च अध्ययन के केंद्र के रूप में गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ की स्थापना कर देना, भारत की प्राचीन आरोग्य की पद्धति आयुर्वेद हॉस्पिटल और आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना के लिए कदम बढ़ाना, यानी आप देख रहे होंगे अलग अलग पक्ष हैं, दुनिया आज जिसको मान्यता दे रही है, आयुष किस ताकत को आज दुनिया ने महसूस किया है। हां, वहां तक पहुंचाने वाला कोई इससे पहले नहीं था। इस देश को आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने योग और आयुर्वेद को एक वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराने में अपना योगदान दिया। आज 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में मनाई जा रही है। योग हजारों वर्षों की विरासत है, लेकिन योग संस्थान गोरखपीठ में पहले से चलता है, ये मूलतः योगपीठ है। कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा कैसे कोरोना महामारी के दौरान आयुष काढ़ा, आयुष कवच, आयुर्वेद से जुड़े हुए वे तमाम नुस्खे
जो व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की ताकत रखते हैं, रोग से लड़ने की ताकत पैदा करते हैं, इन सभी को दुनिया ने माना है। कौन ऐसा भारतीय परिवार है, मुझे अभी हाल ही में एक सज्जन मिले जो अमेरिका में रहते हैं, मुझसे मिलने के लिए आए थे, अपनी जेब में एक छोटी सी एक ड्रॉप रखे हुए थे। तो जैसे उनके लिए कोई पेय आया, पहले पानी आया तो उन्होंने उसमें दो ड्रॉप डाले। मैंने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा तुलसी। तो मैंने कहा क्या अमेरिका से आप लेके आए हैं, उन्होंने कहा हाँ, ये जब से कोरोना महामारी आई है तब से तुलसी का इतना प्रचलन वहां पर हुआ है कि लोग हरेक उसके साथ इस बात को मान रहे हैं कि तुलसी में इतनी ताकत है कि वह व्यक्ति की रोग से लड़ने की क्षमता को वृद्धि कर सकती है। देखिए तुलसी का पूजन, कौन भारत का सनातन धर्म का ऐसा, यानी हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो वैष्णव कौन है ये पहचानने के लिए वह जब विभीषण के यहां जाता तो वहां तुलसी का पौधा ही देखते हैं। याद करिए हजारों वर्ष पहले भी तुलसी की मान्यता हमारे यहां थी, अलग विषय है कि वेदांती जी ना मानते हो। मैं गया था उनके यहां, उनके यहां तुलसी नहीं देखी मैंने। अब मुझे नहीं देखने को मिला, लेकिन अमेरिका भी तुलसी की ताकत को महसूस कर रहा है। और ऐसे ही मैंने कहा कि और क्या है, उसने कहा कि एक दिन मैं न्यूयॉर्क में निकल रहा था, एक जगह लाइन लगी थी, तो मुझे कौतूहल हुआ कि क्यों लाइन लगी है, तो मैं रुका, तो कहा वहां पर हल्दी का पानी पीने के लिए लोग, यानी दो दो चम्मच पानी, हल्दी का पानी पीने के लिए वो लाइन लगी हुई थी। हल्दी के प्रति ये दुनिया के अंदर ये उत्सुकता। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके घर का कौन सा ऐसा भोजन है जिसमें हल्दी का उपयोग आप न करते हो, कौन सा है? आप कुछ भी बनाए, सब्जी बनाए, दाल बनाए, खिचड़ी बनाए, क्या बगैर हल्दी के होता है क्या? हर मसाले में आप हल्दी का उपयोग करते हैं। मुझे जूनागढ़ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, बापू के कार्यक्रम में तुलसी विवाह का भव्य आयोजन वहां उन्होंने किया था, भव्य आयोजन। ऐसे लगता था जैसे कोई अपने घर की किसी लड़की की शादी कर रहे हो, बारात, बकायदा बारात आई थी, और तुलसी विवाह का कार्यक्रम उसी श्रद्धा और उसी विश्वास के साथ हो रहा था। भारत के संस्कार में सब बसा हुआ है, लेकिन हमने कभी इसको आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, हमने अपने शास्त्र के मर्म को समझने का प्रयास ही नहीं किया। श्रीमद् भगवद गीता हमें क्या कहती है, ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या चाहिए, श्रद्धा चाहिए, श्रद्धावान लप्ते ज्ञानम, बिना श्रद्धा के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता अपने पूर्वजों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने राष्ट्रनायकों के प्रति। किसी ने कुछ भी किया है तो उसके प्रति श्रद्धा का अभाव, वही हमें ज्ञानवान बना देगा। कोरा पुस्तकीय ज्ञान हमें कभी आगे नहीं बढ़ा सकता, व्यवहारिक धरातल पर भी हमें उतारने की ताकत अर्जित करनी होगी। और व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए ही, मुझे याद है पहले यहां पर जो कार्यक्रम होते थे, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाओं का योगदान केवल एक दिन होता था, श्रद्धांजलि सभा के दिन। मैंने कहा भी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, यहां पे जो भी वक्ता आता है वह उस क्षेत्र का अधिकृत विद्वान होता है,
उसके पास व्यवहारिक जानकारी होती है। और इसलिए व्यवस्था बनाओ कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की अलग अलग संस्थाएं अलग अलग दिन इस कार्यक्रम में भागीदार बने और फिर इस प्रकार की गोष्ठियां अलग अलग संस्थाएं अपने अपने यहां फिर आयोजित भी करें। केवल पुस्तकीय ज्ञान ही ज्ञान नहीं है, एक सैद्धांतिक ज्ञान है। जब तक आप इसको व्यवहारिक रूप से नहीं अंगीकार करेंगे और इसको चरितार्थ नहीं करेंगे, आचार और विचार में जब तक समन्वय नहीं होगा, तब तक जीवन का कल्याण नहीं होगा, जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है। और इन महापुरुषों का, इन सिद्धों का, इन संतों का, इन योगियों का ये आदर्श, उनका व्यक्तित्व, उनका वह कृतित्व हम सबको उस व्यवहारिक धरातल पर उतारने की प्रेरणा देता है। एक दिन में कोई निर्माण नहीं होता है, वर्ष लगते हैं, युग लगते हैं, धैर्य के साथ उसका इंतजार करना, उसके साथ जुड़ना, अपने स्तर पर हमारा क्या दायित्व होता है, उस दायित्व के साथ अगर हम जुड़ करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दें, सफलता और तेजी के साथ आगे बढ़ती है। कौन सोचता था यह देश 1947 में आजाद हुआ, 1949 में अयोध्या में विवादित ढांचे के अंदर रामलला का प्रकटीकरण हो जाता है। उस आंदोलन में उस समय अयोध्या के गिने चुने संत थे, बाबा अभिराम दास जी, पूज्य महंत रामचंद्र दास जी महाराज, और इन सबको संरक्षण किसका प्राप्त था? पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का। परमहंस जी महाराज तो यहां जब भी आते थे तो एक ही बात कहते थे, कहते थे देखिए मैं कुछ नहीं जानता, महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज तो मेरे लिए गुरु तुल्य हैं। और जितना परमहंस जी महाराज में फक्कड़पन था उतनी ही विद्वत्ता भी थी। उसी विद्वत्ता के साथ, उसी दृढ़ता के साथ अपनी बातों को बेबाक तरीके से मंचों पर रखते भी थे। और ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की ही प्रेरणा से हाई कोर्ट में राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ना है इसको लेकर के परमहंस जी महाराज गए थे। वही मुकदमा फिर आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। याद करिए कैसे एक से एक पीढ़ी जुड़ती गई। सभी संत, पूज्य संतगण यहां पर हैं। और सचमुच मैं जब अयोध्या जाता हूं पता ही नहीं लगता कि मैं गोरखपुर में हूं, अयोध्या में हूं, कभी नहीं पता लगता। सभी लोग ऐसे लगते हैं जैसे अपने लोग हैं, सब अपने साथ एक साथ मिल करके अपने घर जैसा माहौल दिखता है, और मुझे भी नहीं लगता है। लोगों को लगता था 2017 को जब पहले हम लोग पहली बार अयोध्या गया था, लोगों को लगता था कि जाएंगे बहुत विवाद होगा। मैंने कहा देखो अयोध्या में कोई विवाद नहीं होगा जी, श्री राम जन्मभूमि के लिए गोरखपीठ के समर्पण को हर व्यक्ति जानता है, और किसी को संदेह गोरखपीठ पे किसी पे कोई कर भी ले, लेकिन मोदी जी पर और गोरखपीठ पर कोई संदेह नहीं कर सकता है। जो कहा है वो करके दिखाएंगे। और तब इस विश्वास के साथ मैं अयोध्या में गया था दीपोत्सव के कार्यक्रम को लेकर के। सभी पूज्य संत आए थे, पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज भी आए थे, आज उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं, लेकिन वे भी उस कार्यक्रम में थे। हर वर्ष कार्यक्रम में रहे, विगत वर्ष वे नहीं थे, उनके उत्तराधिकारी कार्यक्रम में थे। लेकिन दीपोत्सव ने एक एक संत की भावना, जिन संतों का वर्तमान में भौतिक सानिध्य पूरे समाज को मिल रहा है, इनका तो था ही, लेकिन जो सूक्ष्म रूप से आज भी हम सबको अनुप्रेरित करते हैं वे भी प्रफुल्लित हो रहे थे। अयोध्या के दीपोत्सव को देख करके,
देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक उत्साह का माहौल था। कितना मैं देख रहा था सोशल मीडिया में पूरा रंगा हुआ था, अयोध्या 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 सबके मुंह पे थी। और आज वो सचमुच अयोध्या हो गई है, आज अयोध्या बन गई है, सप्तपुरियों में से पहली पुरी बन गई है। उसके अनुसार उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता देश और दुनिया के सामने आ रही है। यह हम सबका दायित्व तो बनता है, अपने मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनकी भव्यता और दिव्यता को बनाए रखने के लिए, उनके वैदिक उनके पौराणिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए। यह केवल सरकार के भरोसे नहीं होता है, समाज को अगुवाई करनी पड़ेगी, संतों को नेतृत्व देना पड़ेगा, आगे बढ़कर के कार्य करना पड़ेगा। आज भारतीय संस्कृति का डंका दुनिया में बज रहा है इसलिए क्योंकि भारत की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में एक यशस्वी नेतृत्व भारत को दिया है। और आज यही कारण है कि दुनिया के अंदर कुंभ को मान्यता यूनेस्को के द्वारा दी जाती है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता मिलती है। कुंभ तो हजारों वर्षों से था, दुनिया ने मान्यता नहीं दी। कुंभ के बारे में क्या कहते थे लोग, जहां असुरक्षा हो, गंदगी हो, भगदड़ हो, अव्यवस्था हो, वह कुंभ है। मोदी जी ने कहा क्या ऐसा हो सकता है कि कुंभ में गंदगी ना हो, हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे। हर जगह एक सुव्यवस्था दिखे। हम लोगों ने कहा जरूर प्रयास करेंगे। और आज आपने देखा होगा प्रयागराज कुंभ कितनी भव्यता के साथ, जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है उससे ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आए थे। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली। इससे पहले होता क्या था, उत्तर प्रदेश के अंदर कई शहर ऐसे थे जहां के बारे में लोगों के मन में धारणा थी कि इन लोगों को अगर हम अपने यहां धर्मशाला में या होटल में कमरा दे देंगे तो कहीं हम पर आतंकवादियों को प्रश्रय देने का आरोप न लग जाए, इसलिए लोग उत्तर प्रदेश का नाम सुन करके नहीं देते थे, कतराते थे, नहीं भैया नहीं देना है। लेकिन आज तो नहीं है, आज तो हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि उत्तर प्रदेश का हर वासी प्रभु राम का प्रतिनिधि है, उनका बानर है, उनका भालू है, और वह आएगा तो हमें उसको वही सम्मान देना है। उनका प्रतिनिधि है भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है, बाबा विश्वनाथ का प्रतिनिधि है, भगवान बुद्ध का प्रतिनिधि है, बाबा गोरखनाथ का प्रतिनिधि है, संत कबीर का प्रतिनिधि है, इन पूज्य संतों का प्रतिनिधि है जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था इन मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना के लिए। अयोध्या के लिए क्या क्या नहीं संघर्ष करना पड़ा था, सब कुछ करना पड़ा था, तब यह सफलता प्राप्त हुई। और उस सफलता के लिए जो अहर्निश प्रयास हुए, किसी ने अपना नहीं देखा, मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, यह नहीं कहा। मैंने अयोध्या में बात कभी नहीं सुनी कि मुझे क्या मिलेगा। सबके मुंह से एक बात निकलती थी, किसी भी संत से बात करो वो कहते देखिए कुछ नहीं, केवल एक काम हो, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो। हर व्यक्ति की बात कहता था। जब चारों ओर से एक आवाज निकलती है तो सपना साकार होता है, संकल्प साकार होता है, उसको साकार होने में कोई देर नहीं लगती है। लेकिन जब यह होता है कि मैं और मेरा होने लगता है तो भाइयों बहनों कभी सफलता प्राप्त नहीं होती है। वहां द्वंद्व होता है, महाभारत होता है, अराजकता फैलती है, अव्यवस्था फैलती है, आतंकवाद फैलता है। और हम सबको इस बारे में हमेशा ध्यान रखना होगा। ये सफलता की कहानियां हैं जिस मार्ग का हम सबको अनुसरण करना चाहिए। राष्ट्र नायकों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। आज आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कितनी सफलता प्राप्त की। गृहमंत्री अमित शाह जी ने
कश्मीर से धारा 370 को हटाने में कोई कोताही नहीं बरती। ये जानते थे ये धारा देश के लिए खतरनाक है, भारत की एकता और अखंडता पर एक सूल है, इस सूल को उखाड़ फेंको, आतंकवाद सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। आज जो समाप्त हो रहा है, जो हिंदू जो सिख प्रताड़ित थे, अपमानित थे, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कैसे दुर्भाग्य वाले साली थे बेचारे कि उनको कोई देश अपना नहीं मानता था। मोदी जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा, नहीं ये सब हमारे हैं, और कानून बना करके उन सबको भारत का नागरिक, भारत की नागरिकता दे दी। कहां जाएगा दुनिया का हिंदू, कहां जाएगा दुनिया का सिख, बौद्ध, जैनी, ये कहीं कहां जाएंगे? अंततः जब संकट आएगा तो उन्हें भारत की तरफ ही देखना होगा, और भारत उन्हें दोनों हाथ फैला करके आज अपना रहा है। जब एक कानून बनता, आपने देखा होगा तमाम लोगों ने विरोध किया, लेकिन बिना उसका विरोध किए इसको लागू किया गया। क्या एक पहले की सरकारें कर पाती? हिम्मत नहीं थी। जब नजरिया वोट बैंक होगा तो यही सब देखने को मिलता है, अराजकता, आतंकवाद। पहले की सरकारों में आतंकवादियों के मुकदमे भी दर्ज वापस होते थे, आतंकवादियों के मेहमानमंडन होते थे, शहीदों का अपमान होता था। आज तो आतंकवादी का मेहमानमंडन कोई नहीं कर सकता। ये तब हो रहा है जब देश के अंदर कोई राष्ट्रनायक जैसा नेतृत्व होता है, संतों की प्रेरणा होती है, पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, तब ये सब संभव हो पाता है। और आज उस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं वो बहुत सार्थक हैं। हम सब धन्य हैं, और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे अपने पूज्य गुरुदेव का लंबे समय तक सानिध्य प्राप्त हुआ, लंबे समय तक सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका मार्गदर्शन, उनके साथ मुझे तमाम वे व्यवहारिक जानकारियां लेने और उसको जानने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे लगता है जो अन्यत्रों के लिए, अन्यों के लिए बहुत दुर्लभ होता है, और आज यही कारण है हम लोग पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, संत समाज का भी, उत्तर प्रदेश शासन का भी, और उत्तर प्रदेश की जनता का भी पूरा सम्मान बरकरार रखते हुए जिन मूल्यों, जिन आदर्शों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं, उनको उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी किया जा रहा है। आज पूज्य गुरुदेव की 7वीं पुण्यतिथि है। गोरखपीठ, उससे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, नाथ संप्रदाय की जो अधिकृत सबसे बड़ी संस्था है, योगी महासभा, या सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए हमारे खड़ दर्शन संप्रदाय, या भारत के अंदर की वे सभी संप्रदाय जो भारत और भारतीयता के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते हैं, उन सब का जो विकास हो रहा है, हर प्रकार का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, भौतिक विकास के जिस नित नवीन प्रतिमान को छूने का प्रयास कर रहे हैं, यह अभिनंदनीय है। हम सबको उसके साथ जोड़ना चाहिए, हर सार्थक और अच्छे प्रयास के लिए हमारा समर्थन और सहयोग होना चाहिए, अच्छे प्रयास को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, और गलत प्रयास कहीं से भी हो, कोई भी करे, उसको हतोत्साहित करना चाहिए, जिसके कारण राष्ट्र की सीमा बाधित होती हो। गोरखपीठ ने कभी अपने को एक उपासना विधि तक सीमित नहीं रखा, ये नहीं माना कि हम नाथ संप्रदाय के, तो हमें केवल नाथ संप्रदाय की बात करनी। गोरखपीठ ने कभी ये नहीं माना कि हम शैव परंपरा के, तो शैव परंपरा को मानेंगे, नहीं, जो भारत के हित में होगा, भारत की आने वाली पीढ़ी के हित में होगा, गोरखपीठ उसका सदैव समर्थन करेगी, सदैव उसका अनुसरण भी करेगी। और इसीलिए 40 के दशक में बालिकाओं की शिक्षा, 50 के दशक में
यहां पर तकनीकी शिक्षा 60 के दशक में आयुष के और संस्कृत के लिए गोरखपीठ के द्वारा बड़े बड़े संस्थान स्थापित करना, ये उसी दशा में प्रयास यानी पिछली सदी के भी प्रयास हैं जो एक धार्मिक पीठ अपने स्तर पर आगे बढ़ा सकती थी, और वह ही क्रम आज निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, अलग अलग स्थानों से हमारे पूज्य संतगण आए हैं, कोई हरिद्वार से, कोई अयोध्या से, कोई प्रयागराज से, कोई जूनागढ़ से, कोई रोहतक से, कोई काशी से, देश के अलग 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 कोने से पूज्य संतों का, श्रद्धालुजनों का यहां पर आगमन हुआ है। उन सबको मैं हृदय से गोरखपीठ की ओर से साधुवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जो विश्वास उनका गोरखपीठ पर है, वर्तमान के शासन व्यवस्था पर है, वह विश्वास उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। और अब दो सूचनाएं सभागार में आमंत्रित अतिथियों के। बढ़िया बेट, मुख्यमंत्री ने अभी अभी अपना संबोधन समाप्त किया और गोरखपीठ की महिमा बताने के साथ, भारत की आध्यात्मिक विरासत को बताने के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान शासन किस तरीके से पिछले शासन से अलग है, कैसे इसकी नीतियां अलग हैं, कैसे ये तुष्टिकरण में नहीं इन्वॉल्व, और कैसे आतंक का अब महिमा मंडन नहीं चलता और न चलेगा।